please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों ने कहा कि पाजी आप भी बड़ा घालमेल करते हो, सवाल कहीं पीछे चला जाए पेट्रोल डीजल का, इसलिए गाना गवाते हो। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, गाना तो सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी तेरी मुस्कुराहट जो आती है ना चेहरे पे, बड़ा मुश्किल होता है आजकल ढूंढने पे, तो थोड़ा सा गाना बस सिर्फ इतना। लेकिन सवाल मुद्दा वही है और सवाल के लिए मैं आपको मनीष खड़ा करना चाहता हूं। और सबसे पहले आपको जी सवाल यह था कि क्या विपक्ष आरोप लगाता है आप पे कि आप बढ़ती कीमतों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने यह फिटनेस का चैलेंज दिया है। मनीष आप यही बताइए कि मोदी जी का अगर कोई भी काम होता है तो इसको सीधा विपक्ष उल्टे में लेती है। आज तक मोदी जी के जितने काम है कभी इन्होंने सराहना का काम नहीं किया है। कुछ भी हो अगर मोदी जी ने किया तो मोदी जी गलत ही कर सकते हैं, इनका ऐसा धारणा बन गई है जो कि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मुझे बताइए कि मोदी जी ने क्या एक काम किया है, आधी दुनिया घूम के आ गए, 30% की कमी आई। महाराज मोदी जी की जब से सरकार आई इन्होंने 15 लाख देने की बात कही, 2 करोड़ नौकरी की बात कही। और देखिए प्रतीक जी, एक बहुत बड़ी गलत बात हो रही है कि देश की सरहद पे अघोषित युद्ध चल रहा है। 15 सर लाने की बातें कही थी, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बातें कही थी, शक्कर लेके आ गए, चीनी लेके आ गए, चाय वाले चीनी लेके आ गए, ये काम कर सकते हैं सिर्फ। जवाब 10 साल में जो पहले जो मोबाइल आती थी उसका फीचर और अभी में काफी चेंजेस आ गए। लेकिन केंद्र सरकार और जितने डिफेंस के लोग हैं, डिफेंस पर्सनल के लिए 10 साल में इन्होंने एक आर्म्स नहीं खरीदा। ऐसे लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए आर्म्स नहीं खरीदा। 10 साल पहले वाली आर्म्स पहले मुद्दे में लौट रहा हूँ, मुद्दे पे लौटेंगे मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ कि आज जो सारा देश त्रस्त है पेट्रोल और डीजल के दाम से, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 11 लाख करोड़ रुपया आपने राजस्व इकट्ठा किया और आज हजारों करोड़ रुपया अगर आप कॉरपोरेट्स का लोन को माफ कर सकते हो और बड़े बड़े उद्योगपतियों को प्लेन में बैठा करके लंदन भेज सकते हो तो हजारों करोड़ रुपया आप गरीब जनता के लिए सब्सिडी देकर के डीजल पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम कर सकते हो, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। वही मुख्यमंत्री हैं जो हवाई चप्पल पे दिखते थे और बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं, ये वही पार्टी की मुख्यमंत्री, वही पार्टी है जो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। 15 लाख का जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने 15 लाख हवाई चप्पल ही तो पहनते हैं, 15 लाख का सूट पहनकर पूरे दुनिया के दौरा तो नहीं। हवाई चप्पल सिर्फ दिखाने के लिए है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए दिखाने वाले मोदी के लोग गरीब विरोधी हैं। इनको डीजल पेट्रोल पे चर्चा नहीं करनी है, दुनिया जहान की चर्चा करनी है। ये देखिए आप, आज का जो मुद्दा है इतना गंभीर मुद्दा है, हिंदुस्तान की जनता तरही तरही कर रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो हमारा तेल का आज मुद्दा है, 80% तेल ये हम आयात करते हैं, उसमें ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है इनके पास इसका सारा ठेका है। ONGC इसमें 5 रुपए प्रति लीटर की सिर्फ रिफाइनरी लेती है। सवाल ये है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि उसके अलावा 4.5 रुपए लीटर पेट्रोल पंप की उनकी कमीशन है, उसके अलावा सारा सरकार के पास जाता है। क्या अगर ये चाहे सरकार चाहे और ये राज्य सरकारें चाहे, क्या ये जनता को इससे राहत नहीं मिल सकती? निश्चल जी के पास, ये प्राइवेट तेल कंपनी वाली बात बिल्कुल गलत है क्योंकि 25 दिन तक जब तक कर्नाटक के चुनाव चले तब तक दाम क्यों नहीं बढ़े? क्रूड जो तेल का रेट होता है क्रूड ऑयल पे डिपेंड करता है, कच्चे तेल पे। और कच्चे सुनिए, कच्चे आप जानकर आपकी जानकारी, अब कच्चे तेल का दाम जिस दिन होता है उसको रिफाइनरी आते आते 25 दिन लगता है, वो 25 दिन के अंदर लगता है। उनको ये जानना चाहिए। निश्चल जी मैं फोकस करना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ एक मिनट जनता ने आ रहा हूँ जी। देखिए मैं फोकस वापस प्राइसिंग पे लाना चाहता हूँ, आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, क्रूड 2014 से जब घटा, लगातार घटता गया, तो सेंटर ने एक्साइज और स्टेट ने वैट दोनों बढ़ाए जी। और तब से होल्ड ऑन आवाज सुन दीजिए भाई, बहस नहीं हरियाणा की हो तो बहस नहीं करोगे जी।
जी। अब इस स्थिति में जब क्रूड वापस बढ़ गया है तो इसके तीन तरीके हैं जिससे रेट कम हो सकता है। पहला कि हमको अपनी प्राइसिंग पॉलिसी देखनी पड़ेगी। अभी हम इंटरनेशनल पैरिटी की बात करते हैं, यानी कि फिनिश प्रोडक्ट से हम अपना रेट तय करते हैं, जबकि हमारी रिफाइनिंग कॉस्ट कम है हिंदुस्तान की, तो हम क्रूड ऑयल के प्राइस को लें, अपनी रिफाइनिंग कॉस्ट ऐड करें तो 10% का बफर वहीं पे आ जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, जो एक्साइज ड्यूटी पिछली 2 साल में बढ़ी है उसमें एक बार कटौती आई है 2 रुपए की अक्टूबर में, कुछ एक्साइज कम की जा सकती है। दूसरा, जैसा कि राज्य है, राज्य भी अपना वैट बढ़ाया था जब क्रूड कम हुआ था, उन राज्यों से भी अगर वो अपना वापस वैट वहीं कर दें तो 2014 के लेवल पे था, तो 4 से 5 रुपए लीटर का वहां पे फर्क आ सकता है। तो मुद्दे पे रहिए कि आप इस रेट को तीन तरीके से कम कर सकते हैं। जी जी, सवाल ये है कि जी सवाल कैसे, मैं आ रहा हूँ पीछे जी। पिछले 4 साल में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। मुझे बताइए कि जब मुद्दे की बात आती है, कभी जिन्ना निकल के आ जाता है, कभी दलित निकल के आ जाता है, कभी बलात्कार आ जाते हैं, जब चुनाव आते हैं भटकाने की बात है सारी। इन्होंने वादा किया था नौकरी देने का, बेरोजगारों को नौकरी देने का, 2 करोड़ नौकरी देने का, सस्ती दाल देने का, सस्ता पेट्रोल देने का, सस्ती देश में स्वराज लाने का, कि भाई ये राज है, ये पाकिस्तानी विदेशियों का राज है, आप लाइए ना, आपको 4 साल से राज लाए हैं। एक मिनट। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, ठीक है, इतना उन्होंने घोटाला किया, इतनी उन्होंने गंदगी मचा रखी है, मोदी जी को सिर्फ 4 साल पूरे हुए हैं तो समय तो लगेगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी से, एक मिनट, आम आदमी पार्टी से मैं जितेंद्र चौहान मैनपुरी का रहने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आज के देश के अंदर मोदी जी ने वो हर मुद्दा जो गरीब का मुद्दा है उसको छुआ है, जमीन छुआ है, उसको विकास करने की कोशिश की है। मुझे एक काम बताओ, एक मिनट, मुझे एक हाथ उधर करो, मैं बोल रहा हूँ, केजरी बात है, केजरी दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अन्ना हजारे को धोखा दिया, उसके बाद पेट्रोल का इशू बनाते, बैठ उनके हाथ में बैठ, कम क्यों नहीं कर रहे दिल्ली से। एक मिनट, इधर आओ, पाजी इधर आ जाओ, एक मिनट, उमेश जी, जनता और नेता के बीच में दूरी बराबर बनी रहनी चाहिए। जनता और आप पीछे जी, सवाल ये है शिशिर को मैं खड़ा करना चाहूंगा। सवाल ये है कि इन्होंने अभी कहा कि कुछ तीन तरीके हैं जिससे पेट्रोल और डीजल के, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि अगर सरकार काम कर रही है, और आज पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि कुछ लॉन्ग स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने थिंकिंग, तो वो लॉन्ग स्टेप्स क्या हैं ये जानना जरूरी है। दूसरी बात ये कि अगर वो मेथड है, वो मेथडोलॉजी है जहाँ पे हम प्रोसेसिंग पे, जहाँ पर हम टैक्सेशन पे काम कर सकते हैं, तो हमको जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैंने जैसा शुरू में कहा था कि राज्यों को जो अतिरिक्त कमाई हो रही है अगर वो कमाई छोड़ दें, हाँ, तो बगैर किसी बजटीय नुकसान के, बगैर किसी सरकारी खजाने के नुकसान के, हाँ, वो जनता को फायदा पहुंचा सकता है। दूसरी बात यह है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो केंद्र सरकार के लिए बहुत ही सीमित विकल्प हैं, राज्यों के लिए ज्यादा मौके हैं, क्योंकि उनका एड वैलोरम यानी कि परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू है, तो उनके लिए ज्यादा मौके हैं। लोगों ने कहा कि 2014 से पहले तो क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा थे, अब उतना नहीं है, तो सस्ता होना चाहिए। 112 डॉलर प्रति बैरल तक गए थे, और वहां पर उस समय में भी उतना ज्यादा कीमत नहीं गई थी जो आज के समय में है। अभी अगर आप देखें, मैं आज की कीमत आपको बता सकता हूं, लगभग 76 डॉलर प्रति बैरल है, एक बैरल में 159 लीटर होता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 112 डॉलर प्रति बैरल था उस समय की, अगर आप कीमत देखें तो लगभग 50-55 के बीच में था, और आज जब आपकी कीमत 76 डॉलर प्रति बैरल का है, तो आपकी कीमत जो है वो लगभग 77-78 रुपए के करीब में बनती है। इसका मतलब है कि टैक्सेशन आपका हाई है, और राज्यों का सबसे ज्यादा इसमें योगदान है। मुझे लगता है कि सॉल्यूशन के तौर पे देखें तो 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, अगर वो चाहें तो वो पहल कर सकते हैं, तो इसका सवाल सही है। उमेश जी ने जो बात कही थी, मैं उसी पे लौटता हूँ, उमेश जी ने बात कही थी कि 20 राज्यों में, 23 राज्यों में सरकारें हैं, तो जहाँ सरकार बीजेपी की है वहाँ से क्या पहल हो सकती है। जी, बहुत बहुत नाराज है उधर से। जी बाबू जी, बताइए क्यों परेशान है। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल देखूं पहले या अपनी सुरक्षा देखूं। इसी कनॉट प्लेस में, दिल्ली के दिल में 4 साल पहले पंप पड़ता था, कहीं
हाल मार्केट में फटता था, कहीं लाजपत नगर में फटता था, कहीं बारह टूटी में फटता था, आज चार साल से कहीं नहीं फटा। पहले आदमी की सुरक्षा देखोगे कि आज 73 से 76 रुपए हुआ है चार साल में पेट्रोल, उस पे रो रहे हैं। और गरीब आदमी पेट्रोल नहीं पीता, यही छिड़क के मरेंगे अपने ऊपर। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ने से तकलीफ है किसी को भी, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या कोई भी हो, तो क्या वो एक दिन भी अपनी गाड़ी खड़ी किए हैं तब भी वो भरा के चले? अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो अपनी गाड़ी से ही आए होंगे, पैदल नहीं आए होंगे, पूछे कौन सी गाड़ी से आए हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं आ रहा हूँ जी। मुझे कांग्रेस वालों से दो सवाल पूछ, कांग्रेस वालों से दो सवाल पूछने जी, एक मिनट, ऐसे ऐसे मजा नहीं आएगा, आप शांत रहेंगे तो। आपने ये स्टार्टिंग किया था कि मोदी जी ने सुरक्षा, मतलब मोदी जी ने जो है हमारे आर्म फोर्स के लिए क्या किया, आपने कितनी बार सर्जिकल स्ट्राइक कराया है? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 154 लाख करोड़ के पार पहुंची है, तो आपके समय में अर्थव्यवस्था क्यों इतनी ढीली थी? आपके समय में अर्थव्यवस्था क्यों ढीली थी, यह सवाल था। एक एक नौजवान पूछा जाता, फिर मैं ब्रेक पे जाना चाहता हूं। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जनता के मुद्दों को जनता के बीच में उठाते हैं उसके लिए। दूसरा इनका काम ये है दूसरे मुद्दे को भटकाना, जीएसटी लेके आए, सीएम के यहाँ छापा पड़ गया, मुद्दा भटका दिया, नोटबंदी करी, सचिवालय में छापा पड़ गया, मुद्दा भटका दिया, अब पेट्रोल डीजल के रेट डेली बढ़ रहे हैं, मुद्दा भटकाने के लिए नया लेके आ गए। डीजल के रेट जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं लोग गाड़ी छोड़ेंगे अपना, वैसे ही पैदल चलेंगे, अपने आप ही फिटनेस हो जाएगा, रोजगार जी, तो जी, नहीं जी, जी। सर रोजगार तो ये चार सालों में दे नहीं पाए, ये क्या देंगे देश को, क्या दे पाएंगे ये जी? मैं कहता हूँ ये देश को क्या देना चाहते हैं, देश को ये चार साल में सिर्फ कंगाल करके जा रहे हैं, और जाएंगे 19 में सर, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 19 में ये आ नहीं पाएंगे। बहुत मजबूती से पकड़ा है, सवाल ये है कि 2019 नजदीक है। मैं इस टीम को बोलना चाहता हूं सर, मैं ये जो गठबंधन वाली टीम बनी है अभी ये 2019 में, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आपने हिंदुस्तान में अगर विकास किया तो आपको संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? संगठन में वही चलता है जैसे गांव का एक पाल होता है तो भेड़ बकरी लेकर के आगे आगे चलता है, ये भेड़ बकरियों का संगठन है। हिंदुस्तान के लोगों सुनो, अगर पान वाले का बेटा पान बेचता रह गया तो ये देन इनकी है। हिंदुस्तान में अगर राम मंदिर को रोका गया है तो मुसलमान भाई नहीं रोका है, इन्हीं लोगों ने। सवाल मुद्दे बहुत तेज हैं, सवाल मुद्दे बहुत तेज हैं, और 2019 हुजूर आली बेहद नजदीक है, इसी धार पर चलना है। बाए नी मेरी शिमले दी राह चंबा कितनी दूर, ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना, ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर हो, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि अगर 44 टेम्परेचर में शिमला की कोई बात करें तो यकीन मानिए शो करने का मन माल रोड शिमला पे ही होता है। जरूर जरूर भैया जी कहीं वहाँ जरूर आएंगे और वहाँ शो भी करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज तुम्हें, बहुत दिनों बाद हाजिर हुए, लेकिन आज तुम अपने पिताजी के, राजू जी मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बड़ा होनहार बच्चा है आपका। लेकिन जी हाँ, बातचीत के सिलसिले कोई बात नहीं, वो हरियाणा का मामला है, वो छोड़ दीजिए आप, हरियाणा का मामला वो मैं देख लूंगा, हरियाणा नहीं है। नहीं सुनिए नेताजी, सुनिए जी, चुपचाप खड़े रहिए जी। सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना था कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाहते हैं, उसके बाद में आना, कि क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है पांच दिनों की बात करें, लेकिन पेट्रोल जो है बढ़ रहा है। सवाल यही मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, मैं वही पॉइंट कह रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जहाँ पर 106 और 112 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल होता था, और आज वो लगभग 30% से भी ज्यादा कम हो गया है, और डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये गणित नहीं समझ में आ रहा है। आपने खुद बताया कि $5 अभी भी कम हुआ है और 1 रुपया डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो कहीं ये
प्राइवेट जो है सो ये तेल कंपनियों के साथ सेटिंग तो नहीं है 2019 के लिए? जी 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 2019 की सेटिंग तो नहीं है जी। सवाल देखिए, ये जो अभी $5 कम हुआ है पिछले 3 दिन में, इसका इफेक्ट अगले 10 दिन में आएगा, क्योंकि 15 डेज की मूविंग एवरेज ली जाती है जी। और जैसा कि मैंने कहा कि हम फिनिश प्रोडक्ट की इंटरनेशनल पैरिटी से हम जो रेट अपना लेके चलते हैं वो फिनिश प्रोडक्ट की लेते हैं, फिनिश प्रोडक्ट की ना लेके क्रूड ऑयल की लेके उसमें अपनी हिंदुस्तान की अगर रिफाइनिंग कॉस्ट ऐड करके हम रेट तय करें तो रेट डेफिनेटली कम होगा। कहीं ना कहीं प्राइसिंग पॉलिसी को रीलुक करना पड़ेगा, प्राइसिंग पॉलिसी को रीलुक करना पड़ेगा। जब ये सवाल आता है तो शिशिर क्या लगता है जरूरी कहां पर है, सरकार को कहां रीथिंक करने की जरूरत है? देखिए, अभी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि राज्यों में जब कैलकुलेशन होता है वो सेंटर का जो ड्यूटी है उससे लगी हुई जो कीमत आती है, मान लीजिए कि 100 रुपया बेस प्राइस है, 5 रुपया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, 105 रुपया। अब यदि स्टेट का वैट 10% है तो वो 105 पे होगा, ना कि 100 पे होगा। तो अगर वो 100 पे हो तो फायदा हो सकता है, 105 पे हो तो ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये प्राइसिंग की जो मैकेनिज्म है, प्राइसिंग का जो तरीका है, इसमें थोड़ा बदलाव करना जरूरी है। जी 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 ठीक जी, जितनी यहाँ इकोनॉमिस्ट बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को सबकी जानकारी होगी, उनके पास एक बड़ी टीम है इकोनॉमिस्ट की। लेकिन दिक्कत क्या है, जब आप फिरोज शाह तुगलकी फरमाने आइए माउस से तुंग का फरमान जारी करेंगे तो देश नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री भी आप ही, वित्त मंत्री आप ही, कृषि मंत्री आप ही, सारा चीज आप ही चलाएंगे। इस देश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका ख्याल रखें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी है, और वैसे पार्टी जो एक आदमी और एक परिवार से चलता हो वैसे तो बोले ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। और यही यूपीए सरकार है जो 2010 से 2014 तक ईरान से 40,000 करोड़ रुपए लोन लिए थे। वित्त मंत्री का नाम बता दें सिर्फ अपने, आज वित्त मंत्री कौन है, 2 महीने पहले कौन था? देखिए मैं बताऊं, गल्फ में जब बाहर था, जब भी इतने खराब हालात रही थे हमारे देश में, और जो 10 लाख करोड़ रुपए जो बचाया गया है, ये बता दें वो किसके लिए रखा बचाया गया है? क्या एमएलए खरीदने के लिए बचाया गया था कर्नाटक के लिए? क्या आने वाले 2019 के लिए तैयारी हो रही है? मुझे बताएं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश दुनिया का चक्कर लगाया है, एक काम बताएं कौन सा काम किया है? जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ सर, पार्टी चाहे किसी की भी सरकार रहे, महंगाई बढ़ रही है, गाँव में बहुत बेहाल है। कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। हाँ। दूसरी बात यह है सर, लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरों को एक एक साल तक रोजी नहीं मिली है। और जो ये जो अभी शौचालय निर्माण की बात कर रहे हैं, शौचालय निर्माण पूरा फ्लॉप योजना है, सब शौचालय टूट चुके हैं, उसका निर्माण का पैसा भी नहीं मिला है। दूसरी बात सर, सिलेंडर, सर सिलेंडर गाँव के घर घर में रखा है, सिलेंडर को कोई यूज नहीं हो रहा है। ये कुछ नहीं जान रहे हैं, फील्ड में रह के कुछ नहीं जान रहे हैं। शौचालय का निर्माण जिस टाइप से गांव देहात में हो रहा है और जिस टाइप से लोग उसको यूज कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं जान रहे हो, गलत बात कर रहे हो। आप शहर में रहकर ऐसी बात कर रहे हो, जनता भी उलझी है। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज पेट्रोलियम डीजल के साथ साथ जो मुद्दा था वो ये था कि फिटनेस को लेकर चैलेंज। लोगों ने कहा कि विपक्ष का आरोप कि सरकार फिटनेस का चैलेंज इसलिए देती है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उनको ध्यान हटाने के लिए। विपक्ष का देखिए, फिटनेस पे आ जाता हूँ, हम अपनी सरकार हार मान लेंगे, मोदी जी राहुल गांधी से कुर्सी लड़ लें। क्या बात करते हैं आप, राहुल गांधी से कुश्ती लड़ ले, दौड़ ले, दंड कर ले। शिशिर शिशिर नो 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 शिशिर, ये 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 स्तर आ गया, अब ये स्तर आ गया। आप बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बताइए। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि समाधान की जगह पे क्या कुश्ती लड़ना समाधान हो सकता है, तो शायद उनका मत है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन खैर, मूल मुद्दा आपका था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर के, वहाँ पर आज के दिन में सबसे बड़ी बहस क्या है कि आप इसको जीएसटी में ले आइए, इसका फायदा हो जाएगा। एक बात बताऊं, जीएसटी में लाने से फायदा नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है कि जब भी किसी सामान को जीएसटी में लाया जाता है तो उस पर जो जीएसटी की दर होती है उस पर लगाए जाने वाले टैक्स के बराबर होती है। आज के तारीख में पेट्रोल पर जो टैक्स है
वो लगभग 93% है, डीजल पे जो टैक्स है वो 68% है अगर बेस प्राइस की मैं बात करूं। आपका जीएसटी में ज्यादा से ज्यादा टैक्स 28+25 53% हो सकता है। अब कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार इतनी कमाई नहीं छोड़ना चाहेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी पे ये चर्चा चलती रहेगी। पक्ष और विपक्ष बार बार ये कहते रहे। आपका कहना है कि सलूशन वही है कि अपना जो भाग है, जो राज्य सरकार ने जो उनका प्रॉफिट का है वो हिस्सा कम करें। आपने जो विनफॉल गेन कमाया है, जो आपको अचानक आ गया है, वो छोड़ दीजिए बस। जी सवाल ये है कि अब कुश्ती लड़ी जाएगी। नहीं नहीं, आपने एक बात कही है शारीरिक फिटनेस की। इस देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सेहत खराब हो चुकी है। आज धार्मिक उन्माद फैल रहा है, धर्म की गोटी खिला खिला कर नौजवानों को बहकाया जा रहा है। जहां नौजवानों को रोजगार की जरूरत थी, किसानों को उसके महंगाई से उसको राहत की जरूरत थी, वो खत्म हो गई। मोदी जी ने नौकरी की नहीं रोजगार की बात की थी, जो कि हरेक क्षेत्रों में। अभी की मैं लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ कि दिल्ली के तरफ जो 135 किलोमीटर का रोड, देश को बरगलाने की बात, कभी कुश्ती की बात, कभी हिंदू मुसलमान लड़ाने की बात, कभी दलित लड़ाने की बात, वो रोजगार बताई है जो रणबाधा किया था। ये लड़ाने की बात में माहिर कांग्रेस की सरकार है। हमारी सरकार किए थे उन वादों को बताओ। हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, और ऐसे लोग तो बात न करें जो धर्म के नाम पे सरकार चला रहे हैं। ऐसे लोग बात ही न करें धर्म के नाम पे, देश के विकास के मुद्दे पे। जी इन्होंने कुश्ती का चैलेंज दिया है, हम भी कर लेंगे कुर्सी। आप भी कर लेंगे? नहीं, कुश्ती नहीं। सवाल ये है, मैं जानना चाहता हूँ, जनता बीच में मौजूद है। सवाल बहुत सारे। जी 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 सर, मैं लास्ट एकदम सर। ये जो आजकल जल्दी जल्दी, हाँ, इन्होंने जो सेहत का फिटनेस का चैलेंज दिया है, और जो है सब ध्यान भटकाने के लिए है। कोई भी चैनल रोजगार के विषय पे बात नहीं करता, सिर्फ धर्म जाति पे लड़ाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए सिर्फ फुल प्रूफ प्लान है। और ये सब कुल मिला के आम आदमी के लिए रोजगार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मुलाकात होगी। भटकाने के मुद्दे ना आए, असल मुद्दे आने चाहिए। यार बात